विटेल से क्लासिफिकेशन विटेल से नहीं करा था, पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर रीजन थे, ठीक है ना, कि पूरे दुनिया में कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे क्या एग्रीकल्चर होती है, तो पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर रीजन को 12 पार्ट्स में उन्होंने बांटा था। कहीं पे आपको 13 भी मिलेंगे, लेकिन विटेल से का 12 थे ओरिजिनल, ठीक है। तो क्वेश्चन ही पिछली बार आया था, पिछले से पिछली बार मेंस में, कि डिफाइन द एग्रीकल्चर रीजन अकॉर्डिंग टू विटेल से, तो हमें विटेल से क्लासिफिकेशन लिखना था। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले विटेल से जो थे, इन्होंने वर्ल्ड को क्लासिफाई करने के लिए 5 इन्होंने पैरामीटर दिए थे, ठीक है। तो इनके जो 5 पैरामीटर्स थे, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर उनके 12 पार्ट्स को हम समझेंगे। पहला इनका जो क्राइटेरिया था बांटने का पूरे वर्ल्ड को, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। इसका मतलब हो गया कि किसी भी एरिया, मान लो एक इंडिया का ले रहे हैं, साउथ एशियन कंट्री, ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी होती है मीन्स, और वहाँ पे लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन क्या क्या होता है। तो एक उन्होंने ये क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है। दूसरा इनका क्राइटेरिया था इंटेंसिफाई ऑफ लैंड यूज, मतलब पर ईयर हम एक एग्रीकल्चर फील्ड से कितनी क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो वो उन्होंने क्राइटेरिया लिया। तीसरा क्राइटेरिया लिया उन्होंने कि वहाँ पे मार्केटिंग, ठीक है, और प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे मार्केटिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है डेवलपिंग कंट्री से। चौथा उन्होंने क्राइटेरिया दिया था डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब हो गया कि किसी एग्रीकल्चर फील्ड में आपने क्या क्या मशीनें लगा रहे हैं, आप ट्रैक्टर से कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पूरा, ठीक है, ट्रैक्टर्स हैं, आप क्या क्या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी प्रोसेसिंग क्या है, आप बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया मैकेनाइजेशन। इंडिया में मैकेनाइजेशन अभी भी बहुत कम है, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया हो गया, पाँचवा क्राइटेरिया दिया उन्होंने करेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। अब ये सोचो कि आप बिल्डिंग से क्या मतलब है, बिल्डिंग्स का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरी सारी बिल्डिंग इसके अंदर आ गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि विटेलसी का जो क्लासिफिकेशन था, वो एग्रीकल्चर वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को उन्होंने क्लासीफाई किया था, ठीक है। और ये जो एग्रीकल्चर है, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी क्लासिफिकेशन अभी तक का, क्योंकि इन्होंने, इसकी कुछ कमी है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, सारा रीजन ले लिया था उन्होंने। अब इन 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग अब मैं इनके अगले 12 टाइप्स बताऊंगा, ठीक है, पूरा उसमें सारा कवर हो जाएगा। तो पहला जो उन्होंने वो दिया था वो था, तो पहला इनका टाइप्स था वो था नोमाडिक, ठीक है, हर्डिंग। ये आपको सब पता है, जो बंजारे टाइप्स के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आपको मिलेगा एरिड रीजन में, जहाँ पे सूखा होता है, और सेमी एरिड में, ठीक है, ये वर्ल्ड में जहाँ जहाँ रीजन है। तो एरिड रीजन आपकी आपके डिजर्ट रीजन होगा, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट होगा, यहाँ पे भी तो प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, तो वो भी एरिड रीजन होगा। सेमी एरिड में जहाँ पे क्या होता है आपका ज्वार बाजरा, ठीक है, तो ये सब सेमी एरिड रीजन है। तो आप पहले इंडिया के प्रस्पेक्टिव में विजुलाइज करो, फिर वर्ल्ड के प्रस्पेक्टिव में विजुलाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला इनका क्लासिफिकेशन था नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, वो था इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सबको पता है, जितने भी ज़्यादातर ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। आज यहाँ पे एग्रीकल्चर करें, कुछ दिनों बाद यहाँ से शिफ्ट हो गए, फिर दूसरे एग्रीकल्चर लैंड पे पहुँच गए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, उन फॉरेस्ट को कट किया, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर करी, फिर इसको भी छोड़ के अगले पे चले गए। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्चर, ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न कल्चर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने का तीसरा क्लासिफिकेशन है, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो गए, रूडिमेंट्री सीडेंट्री टिलेज, ठीक है। टिलेज का मतलब हिंदी में होता है जोत, रूडिमेंट्री सीडेंट्री का मतलब होता है जो एंशियंट टाइप की होती है, ठीक है। तो
तो पुराने तरीकों से जो हम जोत करते हैं उसको बोलते हैं रूडिमेंट्री सीडेंटरी। तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि जितने प्रिमिटिव टाइप एग्रीकल्चर होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, रूडिमेंट्री सीडेंटरी। जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे मकेनाइजेशन नहीं है, तो आज भी वो रूडिमेंट्री सीडेंटरी करते हैं। इसको पूरे को मैं वर्ल्ड मैप में कर दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसको याद करते रहो। चौथा उन्होंने दिया राइस डोमिनेंट इंटेंसिव सब्सिडेंस टिलेज। ठीक है, ऐसे रीजन जहाँ पर राइस डोमिनेंट है, चाहे इंटेंसिव कल्चर होता है। सब्सिडेंस का मतलब होता है ऐसा एग्रीकल्चर करना जो वहाँ के जो, जैसे मान लो ये फैमिली है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर कर रही है, राइस इन्होंने उगाया, ठीक है, और राइस का यूज इन्होंने अपने घर के लिए कर लिया, मार्केट में कुछ नहीं करा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्सिडेंस। ठीक है, तो राइस डोमिनेंट सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हमारे इंडिया के आसपास के जितने भी मानसूनल कंट्री हैं वहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने पांचवा क्लासिफाई किया राइस नॉन डोमिनेंट इंटेंसिव सब्सिडेंस। ठीक है, तो राइस नॉन डोमिनेंट मतलब वीट वाली आ जाएंगे इसमें, क्योंकि वीट भी साउथ एशियन कंट्री में जो भी उगाते हैं, ठीक है, वो मार्केट में बेचने से पहले क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली होती है ना, ठीक है, उसकी जो उसका कहते हैं आप बोल दो भरण पोषण करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सिडेंस, मतलब अपनी जीविका के लिए। ठीक है, तो ये दो है पांच टाइप उसके। अब जो फाइव टाइप्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, राइस डोमिनेंट पढ़ लिया, राइस नॉन डोमिनेंट पढ़ लिया। अब उससे पहले हम पढ़ेंगे, बार बार एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, इंटेंसिव, ठीक है, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये क्या होती है। देखो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एक्सटेंसिव में आपको देखना पड़ेगा, पहले एक्सटेंसिव देखो। एक्सटेंसिव वहाँ पे होती है जहाँ पे स्मॉल इनपुट ऑफ लेबर, ठीक है, तो मतलब ऐसा एग्रीकल्चर फील्ड में कम लेबर लगे हुए हैं, ठीक है, और स्मॉल इनपुट में क्या है, फर्टिलाइजर भी हम कम मात्रा में दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी जो एक्सटेंसिव कल्चर होता है वो करा जाता है जहाँ लेस प्रोडक्टिव लैंड होती है, ठीक है, और ओवरऑल इससे लेस प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करते हैं हम एक्सटेंसिव कल्चर में। जो इंटेंसिव कल्चर होता है यहाँ पे क्या होता है, हाई इनपुट्स होंगे। तो एग्रीकल्चर में इनपुट्स क्या होते हैं, लैंड, ठीक है, लेबर, ये भी बहुत ज़्यादा लगेंगी, फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, तो इंटेंसिव हो गया, तो ऑब्वियस से यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन लेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो अब हम जो ना पिछली बार जो पढ़ा था राइस डोमिनेंट एक्सटेंसिव, राइस डोमिनेंट इंटेंसिव, यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसका मतलब आप समझते रहना, ठीक है। अब हम इसका छठा वाला पढ़ेंगे। अब छठा जो टाइप था वो था सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, इसका मतलब हुआ ऐसी क्रॉप और लाइव स्टॉक, मतलब ये आपका मिक्सड हो गया, ठीक है, ऐसी एग्रीकल्चर करना जहाँ पे लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन केवल सब्सिस्टेंस मतलब जीविका के लिए करना, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करना, ठीक है ना। जैसे अब आप अपने इंडिया में भी ले लो, दूध पाल दो, भैंस गाय पालते हैं, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर फील्ड भी होता है, तो वो अपने परिवार के लिए अगर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सब्सिडेंस, ठीक है। मैप में जब आएगा तो अभी समझ में आता है, अभी आपको उसके टाइप्स याद करते रहो, फिर हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सातवां उन्होंने कहा है कि जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर मतलब मेडिटेरियन रीजन में जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका ज़्यादातर जो होंगे आपके ट्रॉपिकल, ठीक है, फ्रूट्स, ग्रेप्स, ठीक है, जितनी वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वहाँ पे ये सब कल्चर होता है, ठीक है, और सिट्रस प्लांट्स आते हैं यहाँ पे, वो है मेडिटेरियन। आठवां उन्होंने बताया था, बहुत सारे हैं याद करना पड़ेगा, लाइव स्टॉक रेंचिंग, ठीक है, लाइव स्टॉक रेंचिंग में उन्होंने बोला कि ये लाइव स्टॉक रेंचिंग बहुत बड़े बड़े, ठीक है, ये ग्रास लैंड टाइप के होते हैं, यहाँ पे क्या होता है सीप को, ठीक है, छोड़ देते हैं, वो रेंचिंग करती रहती हैं, ठीक है, तो ये जो होता है ना, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोर टेक्नोलॉजी होती है,
इनका मोटो होता है मोर प्रॉफिट लेना, ठीक है। ऐसे आपको मिलेंगे वेस्टर्न यूएसए में, ठीक है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में लाइव स्टॉक रेंचिंग, ठीक है। अब आया नाइन्थ, नाइन्थ में आपका आया कमर्शियल, नाइन्थ का है इसका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आपको मिलेगी टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, व्हीट एक्सटेंसिव, बारले ये उगाया जाता है, मेज उगाया जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव टाइप फार्मिंग होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब टेंथ उन्होंने बोला था कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग भी बोलते हैं। ये हो गए 10, तो अब बचेंगे कितने, 2। 11th था एग्रीकल्चर रीजन उनका कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो होती है सबको पता है, न्यूजीलैंड बहुत फेमस है, न्यूजीलैंड में होती है आपकी, ठीक है। डेनमार्क में होती है, और कहाँ पे होती है, बेल्जियम में होती है। 12th जो इनका था ये था स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आपका सब आ गया, क्या क्या आएगा, ओलेरी कल्चर आ गया सब्जी वब्जी उगाना, विटी कल्चर आ गया अंगूर उगाना, ठीक है। सैरी कल्चर आ गया मतलब क्या, रेशम, ठीक है, मतलब सिल्क। तो ये सारे हो गए स्पेशलाइज हॉर्टिकल्चर, कुछ कुछ पैकेज में होते हैं, ठीक है, अलग अलग में। मैंने बताया 12+1 मतलब 13, ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप टिलेज। ये तो 13 वाला ना हर किताबों ने मिला, सब में 12 ही दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये बाद में ऐड हो गया था, ये मिलता है आपका इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में मेनली क्या होता है, प्लांटेशन होता है टी कॉफी, ठीक है, और क्या क्या होगा, रबर होगी, ठीक है, बनाना प्लांटेशन होगा। तो ये हो गए सारे क्रैश क्रॉप। अब इन 13 को मैं मैप में रख दूंगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहला जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, नोमाड हर्डिंग पढ़ा था, फिर शिफ्टिंग कल्चर। तो इन दोनों को मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ नोमाड हर्डिंग। तो सबसे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक होता है LAPS लाप्स, ठीक है, ये एक तरह की ट्राइब्स है, ठीक है, ये करती है यहाँ पे नोमाड हर्डिंग। और नोमाड हर्डिंग कहाँ होती है, एक इस रीजन पर होती है, बारबस ट्राइब करती है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सी करती है, ये आपका रीजन हो गया फुलानी ट्राइब होती है यहाँ पे। तो चार पांच आप रीजन लिख दोगे वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे है बंटूस ट्राइब, ठीक है, ये करती है। कौन सा कल्चर पढ़ रहे हैं अभी हम, एग्री नहीं, कौन सा हम एग्रीकल्चर रीजन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नोमाडिंग हर्डिंग, ठीक है। और कौन सी है, यूटी यहाँ पे है, ठीक है, ये करते हैं आपको। और आपका हो गई बेदुइन ट्राइब्स, ये हो गई बेदुइन ट्राइब सऊदी अरबिया और ये जितने भी आपके डिजर्ट रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई बेदुइन ट्राइब हो गई, और क्या रह गया, और क्या काकस हो गई यहाँ पे, ठीक है, और हो गई आपकी किर्गिस, किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस ट्राइब से किर्गिस ट्राइब यहाँ पे करती है। तो ये मेजर वर्ल्ड के रीजन हो गए इसके नोमाडिंग हर्डिंग के। अब मैं इसी में आपको ऐड कर रहा हूँ शिफ्टिंग कल्चर कहाँ पे होता है। शिफ्टिंग कल्चर तो सबको पता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हो गया लदांग, ठीक है। लदांग कहाँ होता है, LDANG, लदांग होता है मलेशिया में, ठीक है। फिर होता है सुमात्रा वाले रीजन में, यहाँ कहीं सुमात्रा है, ठीक है, सुमात्रा में होता है जुमा, ये नोट कर लेना आप। फिर आप एक लिख दो आपका म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार का, ये अपना इंडिया हो गया, तो यहाँ ये म्यांमार हो गया, तो म्यांमार में हो गया TAUR IGY, ये त्रुटिया, ठीक है, ये करते हैं। और आपकी क्या करते हैं, ये हो गए। अब एक अफ्रीका में दिखा देते हैं रीजन, ठीक है,
मसोले, ठीक है, मसाई मत कर देना, वो केन्या की ट्राइब है। फिर यहाँ पे आ जाओ आपका बारबेक्यू, कैलिफोर्निया रीजन में शिफ्टिंग कल्चर। ये मैक्सिको में हो गए आपके मिलापा, सेंट्रल अमेरिका में। वेनेजुएला रीजन में हो गए कॉनकुओ। ब्राज़ील रीजन में हो गए DARBDAS, ठीक है, रोक का भी बोलते हैं इनको। तो ये सारे हो गए मेजर शिफ्टिंग कल्चर, ठीक है। अब अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शिफ्टिंग मेजर कल्चर हैं। उनको अभी इंडिया के दिखा देता हूँ। इंडिया की ट्राइब जितनी आपको ज़्यादा याद होंगी उतना ज़्यादा आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कोई सी भी 10-12 ट्राइब लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। इंडिया की कौन कौन सी दिखा देता हूँ यहाँ पे पूरा। तो इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में लिख दोगे झूम कल्चर होता है, ठीक है। उड़ीसा में होता है आपका पोद्दू। आंध्र प्रदेश में होता है डाबी, इस बार मिलाने को भी आया था पीटी में, ठीक है। और ये पूरा वेस्टर्न घाट रीजन, ठीक है, केरला तक यहाँ पर होता है कुमारी। ये सारा शिफ्टिंग कल्चर है। राजस्थान में होता है आपका वत्रा, VATRA, ठीक है। और सेंट्रल मतलब यहाँ पे इंडिया में MP, ठीक है, यहाँ पे होता है पेंडा, दहिया। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप इंडिया में शिफ्टिंग कल्चर दिखा देना, ठीक है। अब इसके आगे के जो है वो करते हैं। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन था वो क्या था, रूडिमेंटल सीडेंटरी टिलेज, इसको प्रिमिटिव टाइप भी बोलते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये भी सब्सिस्टेंस होते हैं, मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए होते हैं। ये सब आपको इक्वेटर के पास वाले रीजन में पाए जाएंगे। तो ये पूरा रीजन दिखा देना आपको, सब सेडेड करना है वहाँ पे, ठीक है, कोई कंट्री का नाम नहीं लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो गए रूडिमेंटरी सीडेंटरी। अब उसके बाद हम अगला रीजन पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ठीक है। वो भी कौन सा, राइस डोमिनेंट या पैडी डोमिनेंट, बात देखिए, ठीक है। तो पैडी डोमिनेंट में आपको पता ना, जितने भी मानसून क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे जितना ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे होगा। तो इसका जो मेन रीजन है वो है मेकोंग गंगा वैली। मेकोंग गंगा वैली का मतलब हो गया पूरा ये, ठीक है। ये जो रीजन जो आपका है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। तो ये सारा रीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। आपका और कौन सा रीजन है, साउथर्न चाइना, ठीक है, यहाँ पे कोटांगा में, ठीक है। गंगा बह ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। तो ये आपकी गंगा हो गई, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो गया, ठीक है। तो ये रीजन हो गया, आसाम से हो गया। लोअर मैकोंग कवर कर लिया, मैकोंग पूरी कंट्री लिख दोगे तो वो सब कवर हो जाएंगी, ठीक है। और इरावटी म्यांमार में, यहाँ इरावटी रिवर होती है म्यांमार में। तो आप देखोगे पूरा कौन सा रीजन है, मानसून रीजन है, आंध्र प्रदेश कोस्टल रीजन है, ठीक है। तो ये मेनली अगर ये देखा जाए, हम देखेंगे तो किस किस में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। और आपका ये मेकोंग गंगा रीजन मिल गया, मतलब थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और साउथर्न चाइना रीजन हो गया। तो इन सारे रीजन में मेनली क्या मिलता है, इंटेंसिव सब्सिडेंट राइस डोमिनेंट टिलेज, ठीक है, राइस या पैडी डोमिनेंट, बात देखिए। अब उसके बाद आ गया आपका इंटेंसिव सब्सिडेंस नॉन राइस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये रीजन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट चाइना में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वीट, सोयाबीन, इनकी मेन क्रॉप कौन कौन सी होती है, वीट होती है, सोयाबीन होती है, ठीक है। कोराट प्लेटू, कोराट प्लेटू कहाँ पे है, थाईलैंड में, ठीक है। तो ये थाईलैंड में कोराट प्लेटू मिनरल्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा, यहाँ पे वीट, ठीक है। ओवरलैप हो रहा है ये किससे, राइस डोमिनेंट से। और कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉटन, ठीक है, शुगर केन रीजन, मतलब राइस को नॉन डोमिनेंट करना है तो बाकी सारी लिख दो। तो ये सारी हो गई आपकी ये रीजन में, ठीक है। और अगला रीजन क्या है, अगर इन्हें करेक्टरिस्टिक भी पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। हमें दिखाने एग्रीकल्चर रीजन कौन कौन सी क्रॉप होती है, क्या क्या उनकी लोकेशन है, ठीक है। और क्रॉप की अगर आपको करेक्टरिस्टिक पता है तो आप थोड़ा और लिख सकते हो कि इसमें इतना टेम्परेचर या ये वहाँ मिलेगा, जैसे हम राइस
इंटेंसिव की बात करें तो वहाँ मिलेगा जहाँ पे 250-200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेन हमें रहना कहाँ पे, एग्रीकल्चर रीजन पे ही रहना है, ठीक है। अब इसी में मैं अभी एक और कवर कर देता हूँ आपको, हमारे 5 और 1 6 हो गए। मेडिटेरियन, मेडिटेरियन रीजन सबको पता है कौन कौन सा रीजन है, ये तो वो यहाँ पे कैलिफोर्निया, ठीक है, ये हो गया पूरा मेडिटेरियन रीजन, ये मेडिटेरियन रीजन हो गया, ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ये भी आता है, और आपका केप मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये सारे हो गए कौन से, मेडिटेरियन रीजन। इनकी खासियत क्या है, ठीक है, ये आप वहाँ से लिख सकते हो, बायोम वाले चैप्टर से वहाँ से लिख लो। ऑलिव्स ग्रेप्स डीप रूटेड होते हैं यहाँ पे सारे। अब उसके बाद अगला आया आपका लाइव स्टॉक रेंचिंग। तो लाइव स्टॉक रेंचिंग में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि लाइव स्टॉक रेंचिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ पे क्या मिलता है, टेम्परेट ग्रास लैंड। तो सारे टेम्परेट ग्रास लैंड लिख दो यहाँ पे, लनलोस, सेंटोस, ग्रैंड चाको, पम्पास, ठीक है, लो लिख देते हैं नाम, ग्रैंड चेको, ठीक है, सेंटोस, ठीक है, कोरू, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो गए टेम्परेट का, टेम्परेट ग्रासलैंड या आप थोड़े से करेक्टरिस्टिक लिख दो, तो ये हो गया। अब उसके बाद इजी में अगर हम करना चाहें क्या, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये कहाँ पे मिलेगी आपका, तो थोड़ा आप इसमें दिमाग लगाओ कि ये वहाँ में भी मिलेगी जहाँ पे क्या हो, एग्रीकल्चर लैंड की जगह ग्रास लैंड हो, बहुत बड़े बड़े हो, ठीक है, और मार्केट वहाँ पे पास हो, ठीक है। तो ऐसे रीजन आपको मिलेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड वाले रीजन है सारे के सारे, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से हो गए आपके, डाउन्स हो गया, स्टेपीज हो गया, प्रेरीज हो गया, पम्पास हो गया, और वेल्ड्स हो गया। कौन कौन सी कंट्री में मैच कर लेना, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अगला है आपका कमर्शियल लाइव स्टॉक क्रॉप फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं मिक्सड फार्मिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, ये आपका पूरा इलाका किसका है, मिक्स्ड फार्मिंग का, होती पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हमें लिखने मेनली जहाँ होती है। और कहाँ पे होती है, यूएसए में होती है, ठीक है। और कहाँ पे होगी, यूएसए में हो गई, यूरोप में हो गई, और साउथ एशिया में एक्सेप्ट एशिया, ये आप लिखोगे। अब उसके बाद आप लिखोगे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग का जो सारे रीजन मैंने बताया, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, और इधर मैंने बताया था आपको हंगरी वाला रीजन हो गया, बेलारूस हो गया, तो ये सारे जो है हाईलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग सबसे अच्छी होती है, टेम्परेट रीजन में होती है, तो वो डेयरी फार्मिंग टेम्परेट में सबसे अच्छी होती है। इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पे भी डेयरी है, हम जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फार्मिंग में होगा, ठीक है, वो भी काउंट हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो टेम्परेट, क्योंकि इसके लिए होती है ग्रास, ठीक है। और जो टेम्परेट ग्रास होती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा होता है, इसी कारण यहाँ पे सबसे अच्छी क्या होगी, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपका बड़ा फैक्ट्री फार्मिंग, जिसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। तो फैक्ट्री फार्मिंग जो होती है, ट्रक फार्मिंग या फैक्ट्री फार्मिंग जो भी बोल लो, ठीक है, ये वैसे विटेल से में था नहीं, तो इसको दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आया हमारा लास्ट वाला हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो है पैकेज में होते हैं, ठीक है, तो ये कहीं पे भी हो सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है तो विटीकल्चर यहाँ पे दिखा दो आपका, ठीक है। सेरिकल्चर में चाइना सिल्क रूट, ठीक है, इंडिया में पैकेज दिखा दो, जो है सब तरह की जो सिल्क होती है आसाम में। उसके बाद आप कर्नाटका दिखा सकते हो, ठीक है ना, और फ्रूट्स में इंडिया ही बनाना दिखा सकते हो चेन्नई में, ठीक है। और आप यहाँ पे आपका ये जो जी रीजन है, यहाँ फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो ये फ्लावर्स के लिए है। जॉर्जिया जो है आपका रोज़ के लिए है, तो ये सारे आप रीजन दिखा सकते हो। तो ओवरऑल हमने क्या करा, पूरा विटेलसे के एग्रीकल्चर रीजन को हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसको मैप में दिखाना है, थोड़े थोड़े करेक्टरिस्टिक लिख देना है, तो ये विटेलसे क्लासिफिकेशन
आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अब हम क्या करेंगे, अब अगले चैप्टर में जो है अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की इनपुट क्या होता है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, इस पे अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, समझ में जो नहीं आता है कमेंट करो, उसको तुरंत मैं डिमोलिश करूँगा आपके डाउट को। ठीक है, और इसके नोट्स बनाते रहो, और नोट्स बना के तो वो बुक आप कोई सी भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुक मत पढ़ो, मेरा वीडियो देखो, बुक कोई भी पढ़ो, लेकिन मेरा वीडियो देखने हो, अब आप जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको सारा समझ में आएगा, आप खुद के अपने नोट्स मेरे वीडियो से बनाओ चाहे बुक से बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको 1.5, ठीक है, यही पेज मिलेंगे, इतने में आपको बेस्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो जिसने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर दिया उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो इतना आज के लिए हो गया, अगले वीडियो का इंतजार करो, थैंक यू वेरी मच, गुड।